The development of human population and stages of cultural development, human population ki development key ki cast stages and cultural development key cast stages. Hai? When we try to understand the stages of human development and the cultural development, at the same time, we are studying all this to understand to understand the context of environmental issues and problems within the development stages of the human society. ह्यूमन डेवेल्पमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन लार्जिंग पीपल्स फ्रीडम एंड द अपर्चुनिटीज एंड इम्प्रूविंग देयर वेल बीइंग लोगों को जब उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइसिस मिलेगी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इम्प्रूविंग देअर वेल बींग और उनकी वेल बीइंग इम्प्रूव होगी उनको स्टडी करते हैं हम ह्यूमन डेवेलपमेंट की जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवेलपमेंट की जो स्टेजेज हैं

कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म है बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं सब कुछ है और एन्वायरमेंटल साइड जो है वो वर्स है पुअर है ऑल द वे लोग उस एन्वायरमेंट में रहते हैं कि जिसमें सांस लेना भी महाल हो तो इसका मतलब ये है कि उस वेल well बींग में गैप रह गया है कि एन्वायरमेंट वाली साइड भी अगर एड्रेस होगी तो प्रॉपर वेल वेलबींग होगी तो प्रॉपर जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो अचीव होगी अगर उसको निगलेक्ट कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट इज नॉट एज इट इज डिजायर्ड ह्यूमन डेवेल्पमेंट इज अबाउट टू रियल फ्रीडम ऑर्डनरी पीपल हैव टू डिसाइड हु टू बी वॉन्ट टू बी हाउ टू लिव लोगों को रहना कैसे है किसके साथ रहना है कौन लीडर होना चाहिए हु टू बी वट टू डू क्या करना है किसने क्या करना है दी ह्यूमन डेवेलपमेंट कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाई इकोनोमिस्ट महबूबल हक महबूबल हक एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ह्यूमन डेवेल्पमेंट का जो कॉन्सेप्ट इसे डेवलप किया पावर्टी को रेडिकेट करने का और ओवरऑल सोसाइटी की वेलबीईंग का सो इन टर्म्स ऑफ द वेलबींग ऑफ सोसाइटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल वेलबीइंग द टर्म कल्चरल डेवलपमेंट रेदर देन आर्ट एंड कॉमनली यूज्ड आर्ट्स एंड कल्चरल बिकॉज कल्चर वी वी आर्ग्यू द डवेलपमेंट इन टर्म ऑफ कल्चर इज द पर्पज ऑफ द वर्क विद आर्ट बींग द एक्टिविटी के डेवेलपमेंट इन टर्म ऑफ कल्चर जहां पे आर्ट एक्टिविटीज और एक्टिविटीज ऐसी हों जो सोसाइटल सिस्टम नेचुरल सिस्टम को भी प्रमोट कर रही हों इकोलॉजिकल सिस्टम को भी डिवाइडेड द ह्यूमन पास्ट इन टू थ्रू कल्चरल स्टेजेस महबूबा लाक ने कल्चरल स्टेजेज को तीन हिस्सों में तकसीम किया है एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर की स्टेज है जिसमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हुई और उसमें मैक्सिमम एन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुई जो ओवरऑल वेल well है वो डिस्टर्ब हुई डू टू बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सोशल स्टेटिफिकेशन लोगों में क्लासेस बनी कोई मैनेजर बना कोई वर्कर बना कोई ब्यूरोक्रेट कोई पुलिस ऑफिसर द स्टेटिफिकेशन इन द सोसाइटी द पोलिटिकल स्टेट द पोलिटिकल स्टेट एज वेल एक खास बाउंड्री पॉलिटिकल स्टेट में रूल्स रेगुलेशंस लॉज लॉ अबाइडिंग सिटीजन उनके पासपोर्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस स्टेशन द सिस्टम्स दे डेवेल्प्ड बाय देयर ओन विल एंड लेटर ऑन द प्रोसीजर्स द प्रोसेस एंड द लॉज एज वेल कैसे लॉज ऐसे प्रोसेस ऐसे प्रोसीजर्स जिससे ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी की अपलिफ्ट हो और वेल बींग हो